नमस्कार विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कचालू की रेसिपी, और ऐसा कचालू जिसे आप व्रत में खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिया है, छिलका उतार के मैंने आलू को उबाल लिया है। आलू को बहुत ज़्यादा गला हुआ ना उबालें। आप देखिए ये आलू हमारा बिल्कुल परफेक्ट उबला है। यहाँ पे मैंने 1 छोटे चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच देसी घी, और ये है धनिया की पत्तियाँ, 3 मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, ये है बादाम जिसे हमने बीच से काट लिया है, 2-2 टुकड़ों में कर लिया है बादाम को हमने, और यहाँ पे है मूंगफली 1/2 कप, और 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक। अगर आप नमक नहीं खाते हैं व्रत में तो आप नमक को हटा भी सकते हैं, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। मैं ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट, रोचक और हेल्दी फूड बनाने के लिए इसका आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें बादाम डाला है और मूंगफली डाला है जिससे आपको थोड़ी ताकत भी मिलती रहेगी और व्रत का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे जिसमें हमें कचालू को बनाना है, और फिर उसमें हम बादाम और मूंगफली दोनों को हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे, और यहाँ पे धनिया पत्ती, मिर्ची और अदरक का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। आलू को हम छोटा छोटा काट लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें घी को डाल देंगे। अब हम इसमें बादाम और मूंगफली को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और बादाम को भी। अब हम अपने घी में डालेंगे जीरा। जीरा जब लाल हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे आलू। आलू को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। आलू हमारा थोड़ा लाल हो जाना चाहिए, तभी ये खाने में कुरकुरा लगेगा। आप देखिए आलू हमारा अच्छे से भून चुका है, ये हल्का हल्का रेड होना भी शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, और नमक को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और ये गर्मा गर्म कचालू बनके बिल्कुल तैयार है। आप ऊपर से बादाम और मूंगफली से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। कचालू को हमने निकाल लिया है और आप देखिए ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो इस नवरात्रि इसे बना के आप ट्राई जरूर करिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारा अगला जो भी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो थैंक यू आज के वीडियो को देखने के लिए, इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारी इस रेसिपी को बना के ट्राई भी जरूर करिएगा। बाय बाय।